नमस्कार, स्वागत है आपका INN 24 पर। आपके साथ मैं हूं कृति सिंह। महाराष्ट्र के नागपुर में इस बार एक अनोखे आयोजन को लेकर लोगों में गहमा गहमी का माहौल है। कार्यक्रम का नाम सांसद सांस्कृतिक महोत्सव है। इस महोत्सव का आगाज 6 जनवरी से होगा। इस पूरे आयोजन की संकल्पना केंद्रीय मंत्री और विदर्भ के कद्दावर नेता नितिन गडकरी को बताया जा रहा है। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ये संकल्पना है, क्योंकि यहाँ की जनता गडकरी साहब को बहुत प्रेम करती है और भारतीय जनता पार्टी से हमेशा से जुड़ी हुई है, इसलिए ये एक बड़े पैमाने पर उनकी संकल्पना के अनुसार कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसा है कि 6 तारीख को शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस एवं नितिन जी गडकरी, इसके अलावा हमारे पालक मंत्री जी हैं यहाँ के, उस समय पे सलमान खान बॉलीवुड के अभिनेता, वे यहाँ पर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम 22 दिनों तक चलने वाला है। मुख्यतः हमने यह 2 भागों में बांटा है। एक ये प्रांगण में 2 दिन कार्यक्रम रहेगा, जिसमें सुदेश भोसले, अभिजीत भट्टाचार्य अपने गायन प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा एक नवनिर्मित सुरेश भट्ट सभागृह बनाया गया है, जहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। यहाँ की संस्कृति, विदर्भ की संस्कृति, महाराष्ट्र की संस्कृति के कार्यक्रम हैं। उसके अलावा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन है और हेमा मालिनी, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री है, वह अपना द्रौपदी नृत्य नाटिका प्रस्तुत करेंगे। एक यहाँ पे हमारे अंबेडकर भाइयों की एक तैयार किया नीड़िया पाखराची, एक रात्र नीड़िया पाखराची, वह एक बहुत सुंदर नाटक है। यहाँ पर में कबीर, संत कबीर पर एक नाटक किया जाएगा। चाणक्य, जो मनोज जोशी ने पूरे दुनिया के अंदर में उसके हजारों एपिसोड किए हैं, वे खुद मनोज जोशी यहाँ पर में एक दिन उसका नाटक प्रस्तुत करेंगे। ऐसे कई विभिन्न कार्यक्रम हैं जिससे यहाँ की जनता एक सांस्कृतिक महोत्सव का एक आनंद ले पाएंगी। क्योंकि जनवरी का महीना है, यहाँ पे ठंड बहुत मशहूर है, यहाँ पर मैं उस ठंड का मज़ा लेने के लिए कई विभिन्न कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। लेकिन जैसा ठंड की आपने बात की, ऑरेंज नगरी पे बहुत ही कम ठंड देखने को ठंड लगती है, लेकिन इस वर्ष की अगर बात की जाए, ठंड है वाकई पे आनंद उठाएंगी यहाँ की पब्लिक। लेकिन कहीं ना कहीं चंदन जी, इस कार्यक्रम को लेके सवालिया निशान उठाया जा रहा है। विपक्ष तरह तरह की बात कर रहा है कि भाई गडकरी जी अपने 2019 इलेक्शन को देखते हुए जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है, विपक्ष के पास और कोई मुद्दे रहे नहीं। हमारे यहाँ चारों तरफ, आप दिल्ली से आए हुए हैं, आप चारों तरफ देखिए, हर गली नुक्कड़ पे आपको विकास के कार्यक्रम शुरू दिख रहे हैं। हम 60-70 वर्षों से यहाँ पर में एक स्लम की स्थिति में रहे हुए थे, आज हमें गर्व होता है कि हम लोग एक नागपुर नगरी में रह रहे हैं। नितिन जी गडकरी और आदरणीय देवेंद्र फडणवीस से यहाँ हर विकास के कार्यक्रम शुरू किए हैं। 24/7 पानी, पीने का पानी उपलब्ध कर रहा है, पक्की सीमेंट की सड़कें, पुल, मेट्रो, IIM, पता नहीं क्या क्या दे रहे हैं, जो हमने कभी संकल्पना की ही नहीं थी इस नागपुर के लोगों ने। यहाँ से लोग, हजारों बच्चे यहाँ से अदर सिटी में जाने पढ़ते थे, शिक्षा लेते थे, पूना व बाहर जाते थे, वो सभी संस्थान यहाँ पर में लाया है गडकरी साहब ने। हमें गडकरी साहब के ऊपर नाज है, क्योंकि विकास कार्य कर रहे हैं, वही विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। उन्होंने भ्रष्टाचार इतने किए हैं लोकल संस्थाओं में, बड़े संस्थाओं में, कि वो अब उनको एक आदत सी हो गई, हम भ्रष्टाचार कैसे करें, वो तड़प रहे हैं नागपुर के अंदर में फिर से शासन के लिए, लेकिन उनका मुद्दा नहीं है, इसलिए ये सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, नितिन गडकरी को विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया जाएगा, अलग अलग कार्यक्रम यहाँ बताए गए हैं। और पार्किंग को लेके खास तौर से जिस तरीके से सलमान खान, यहाँ बॉलीवुड के अभिनेता सलमान खान इस भाग ले रहे हैं, उनके हाथों से उद्घाटन होनी है, तो जाहिर सी बात है ऑरेंज नगरी महाराष्ट्र उपराजधानी नागपुर पे सलमान खान, नागपुर नहीं बल्कि पूरे भारत में सलमान खान के फ़ैन हैं। और नागपुर पे कुछ ज़्यादा ही अगर हम बात करें, अभी भी हमारे सामने यहाँ पंडाल लगा हुआ है, यहाँ पर सलमान खान के फ़ैन चाहने वाले जो टिकट मुहैया करा रहे हैं, जो अपने आप ले रहे हैं। पार्किंग की अगर बात की जाए, इतने बड़े प्रोग्राम को लेकर पार्किंग जो देख रहे हैं हम, उनसे बात करते हैं, पार्किंग किस तरीके से सुविधा आप रख रहे हैं, कहाँ कहाँ पार्किंग दे रहे हैं? जहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है ईश्वर देशमुख क्रीड़ा मैदान में, इसके आजू बाजू में
तकरीबन छोटे बड़े 26 मैदान है जो हमने यहाँ पर समिति की ओर से बुक कराया है, रिजर्व कराया है, आरक्षित कराया है। और इन सभी मैदानों में VVIP से लेकर VIP और सारे प्रकार की पार्किंग हमने वहाँ पर व्यवस्था की है। 26 मैदानों में तकरीबन हमारी जो अपेक्षा है कि यहाँ पर लाखों की संख्या में तादाद में सलमान खान के चाहने वाले एवं आदरणीय नितिन जी और देवेंद्र जी इनको मानने वाले जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए यह जो प्रोग्राम है जो हमने निशुल्क आदरणीय खासदार साहब ने मुहैया कराया हुआ है, इस प्रोग्राम की पार्किंग के लिए हमने काफ़ी अच्छी सुविधा वहाँ पर उनको दिशा निर्देश देने के लिए लोग रहेंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे और हमने 100 वॉलंटियर्स सिर्फ पार्किंग के लिए मुहैया कराए हैं। जैसा कि नागपुर के अलग अलग NGO भारतीय जनता पार्टी से जो संपर्क में है सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, तकरीबन पार्किंग जैसा आपने अभी बताया 26 मैदान यहाँ पर मुहैया कराए जा रहे हैं पार्किंग को लेकर, उसके अलावा और निःशुल्क पार्किंग रहेगी क्या? ये पार्किंग और प्रोग्राम दोनों पूरी तरह से निःशुल्क है। पार्किंग और प्रोग्राम दोनों तरीके से निःशुल्क है क्योंकि यहाँ पे नाम आ रहा है विकास पुरुष नितिन गडकरी, जिस तरीके से नागपुर के अंदर विकास पुरुष के नाम से नितिन गडकरी को जाना जाता है। और जैसा कि चंदन गोस्वामी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक विकास का काम कर रही है, नागपुर ऑरेंज सिटी को एक अलग अलग प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से ला के नागपुर पर मुहैया करा रही है। कैमरामैन राहुल के साथ INN24 न्यूज़, सलीम रहमान, नागपुर।